स्टार्टर्स में ये है, सबसे पहला मलाई सीख कबाब है, ये है पाटोड़ी फिश, जिसको जिसके अंदर जो फिश होती है वो है बेट की फिश, बेट की। राइट, क्योंकि बंगाली लोग बेट की ज़्यादा खाते हैं। हाँ, तो बढ़िया से पहले, ओ भाई साहब ये देखो, ये एकदम बढ़िया वाला है। ये इसको मैं एक लेग पीस ले लेता हूँ ट्राई करने के लिए। यही वो मखाने वाला है? हाँ ये है वो मखाने वाला, एकदम बढ़िया से। ये देखो भाई, कहाँ लेके आई है? नोएडा में। भाई तू चल तो सही, अभी देखो दिखाती हूँ कि कहाँ लेके आई और क्या जबरदस्त तेरा मील करवाने वाली हूँ, मजा आ जाएगा सीरियसली। तो भाई अंदर चलते हैं, पारसवनाथ टू नोएडा के अंदर है। और कोई एक स्कूल प्रिंसिपल थी जिन्होंने जॉब छोड़ के, 8 साल की प्रिंसिपल की बहुत अच्छी सी जॉब छोड़ के, और उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है और रेस्टोरेंट खोल दिया घर के अंदर ही। घर के अंदर आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। तो ये देखो भाई, एंटर कर चुके हैं और ये हैं जी हमारी आज के शेफ। मैम क्या हाल है? मतलब ये सच में है कि आपने एक स्कूल की मतलब प्रिंसिपल की जॉब छोड़ के स्टार्ट किया? एक्चुअली फॉर 30 इयर्स। फॉर 30 इयर्स? ओह माय गॉड। 8 इयर्स ऑफ प्रिंसिपल, 8 इयर्स आई वाज प्रिंसिपल, उससे पहले आई वाज वाइस प्रिंसिपल। ओके, सो 30 इयर्स का मेरा एजुकेशन इसमें जर्नी था, पर बस ये मेरा पैशन था, खाना बनाना और खिलाना, ये मुझे हमेशा से अच्छा लगा। तो बस ये मुझे लगा कि लॉकडाउन के टाइम में मुझे एक मौका मिला, पर नाउ इन दिस फेब्रुअरी आई हैव लेफ्ट माय जॉब एंड फुल टाइम हैप्पी ईटिंग। क्या बात है। टेंडर कोकोनट का मलाई है और टेंडर कोकोनट का पानी है। वाओ, ये मेरा अपना इनोवेशन है। जैसे बोलते ना, तुलसी का पत्ता दिख रहा है, कोलकाता बोलते डाब शरबत। हाँ, डाब शरबत, ये एग्जैक्ट आप पियेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें तुलसी का भी फ्लेवर है, ऊपर जो है ये तुलसी का पत्ता है। लेट मी ट्राई। तो ये देखो भाई साहब, ये स्टार्टर्स अब लग गए हैं। और स्टार्टर्स में ये है, सबसे पहला मलाई सीख कबाब है, ये है पाटोड़ी फिश, जिसको जिसके अंदर जो फिश होती है वो है बेट की फिश, राइट, क्योंकि बंगाली लोग बेट की ज्यादा खाते हैं। हाँ, एक बेट की फिश, ये आ गए हमारे कोलकाता फिश फ्राई। अब ये देखो भाई साहब, थिकनेस देखो, एकदम बढ़िया से। इसमें फिश कौन सी यूज करते हैं आप? इसमें बासा है। अच्छा, बासा। अगर लोग पहले बता देते तो हम बेट की भी करते। अच्छा, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके, और साथ में ये हमारी कासुंदी आ गई। ये आ गया भाई हमारा वेज के अंदर ऑप्शन, लहसुनी पनीर टिक्का, और उसके अंदर भी मैरिनेटेड पूरा पनीर है। हाँ, ग्रेट। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग और आपको बताते हैं भाई टेस्ट कैसा। देखो भाई साहब, अब सर्विंग हो गई है स्टार्ट। तो ये आ गया फिश फ्राई, मेरे को दे दो, वो तो वेजिटेरियन है। ये लो भाई साहब, अब इसको बढ़िया से कट करते हैं और जरा बताता हूँ आपको मैं अंदर कैसा दिख रहा है, दिख कैसा रहा है। ये देखो भाई साहब, ये मैंने अभी जस्ट ट्राई किया है और बहुत बढ़िया बनाया, और साथ में ये मस्टर्ड चटनी बनाई इन्होंने कासुंदी, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह वाह, फ्लेवर्स वाली कहानी है पूरी पूरी, बहुत बढ़िया है। देखो रेस्टोरेंट तो हर कोई जाता खाना खाने ना, बट ये होम डाइनिंग है, ये एक्सपीरियंस एकदम अलग है। हम किसी के घर पे आए हैं और एकदम ट्रेडिशनल फूड मिल रहा है, जैसे कि मतलब ये समझ लो दिल्ली से कोलकाता सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर आ गया मैं नोएडा वाला पकड़ के। ओह, टू गुड। ये आ गई भाई साहब हमारी पाटोड़ी। अब आप ये देखो इसके अंदर भाई, देखना जो असली फ्लेवर बॉम्ब है ना, पॉपी सीड्स और क्या कहते हैं उसे, सरसों, उसके फ्लेवर में पूरा मैरिनेट किया हुआ, और नारियल। लुक एट द कलर फर्स्ट, ये देखो भाई, है ना चीज़ पूरी एग्जैक्टली द सेम जैसे कोलकाता में मिलती है, पूरा वही चीज़ है। बहुत खूब, इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट करके। ये देखो भाई साहब, ये बढ़िया से जो ऊपर लीव है ना, ये जो लीव है ये है लेमन लीव, और इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये देखो, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, सीरियसली मज़ा आ गया। ये देखो भाई साहब, अब ये आ गया भाई मलाई सीख कबाब। तो इसमें क्या मैरिनेशन होगा आपका? हाँ, फ्लेवर इसमें आपका वही खसखस,
अच्छा, और खसखस है इसमें, थोड़ा मलाई है क्योंकि नाम है तो घर का मलाई है इसमें। हाँ। और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स है। अच्छा, अरे वाह, तो ये चिकन है, मटन है? ये चिकन है। चिकन, ग्रेट भाई साहब, लुक्स अमेजिंग। ये देखो भाई साहब, मैंने अभी जस्ट खाया है मैंने, तो ये बहुत बढ़िया है। ये हैंडमेड कबाब्स हैं जिसके बाद इन्होंने पूरा इसको बढ़िया से कुक किया है मलाई एंड बाकी सब इंग्रेडिएंट्स के साथ। टेस्ट मज़ेदार है एकदम। चीयर्स। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया। तो मैडम ये बता रही हैं कि आपका खाना राष्ट्रपति भवन में भी जाता है? अंडर सेक्रेटरीट ये लोग भी ऑर्डर्स करते हैं। okay. और यूएस एम्बेसी में भी जाता है। क्या बात है, ये एक रिव्यू देख लो आप गाइस, ये एक रिव्यू आया है कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति भवन से, आप देख सकते हो। तो भाई स्टार्टर्स बहुत बढ़िया थे, मज़ा आ गया था खा के। अब मैडम ने बना दिया है पूरा का पूरा, मेन कोर्स लगा दिया है। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बनाई। मैम आप बताओ क्या क्या बनाया। हाँ, ये राइस है। अच्छा जी। ये बासुंती पुलाव है। ठीक है। ये झूरी आलू भाजा। ओके। ये मूंग की दाल नारियल दे के। अच्छा। ये आलू दम है। ओके। जो आप फिश कचौरी के साथ और दाल पूरी के साथ। अरे वाह। ये पोटल्स दोरमा है जो परवल के अंदर स्टफ्ड विद भेटकी फिश। अच्छा, अरे वाह, परवल स्टफ्ड विद भेटकी फिश। हाँ। और ये चिकन रिजाला है। चिकन रिजाला। ये मटन कोशा है। अरे ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं जब भी कोलकाता जाता हूँ ना। हाँ। तो वहाँ पे एक ना रेस्टोरेंट है रेलवे स्टेशन के पास, अनाड़ी कैबिन, वहाँ जरूर खाता हूँ मैं। ये मस्टर्ड फिश है। ओके। ये शुक्तो है। शुक्तो। अच्छा। हाँ, ये वेजिटेरियन होता है? ये वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, प्याज लहसुन कुछ नहीं। ये लुच्ची हो गया। अच्छा, विदाउट अनियन गार्लिक। और ये आ गया गोभी मलाई। ये गोभी मलाई, ये भी विदाउट अनियन गार्लिक। ओके। और ये शिखा की प्लेट है, ये वेजिटेरियन पूरा पूरा। और एक ये चीज पर भी नजर, ये देसी घी है राइट? देसी। तो इसको सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं? देसी घी डालते हैं। हाँ, चावल के ऊपर जैसे घी और थोड़ा नमक से बंगाली लोग खाना पसंद करते हैं। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार आप लोग भी खा के बताए कि कैसा लग रहा है। डेफिनेटली विल ट्राई। और उधर सारे स्वीट्स लग रहे हैं, एक बार दिखाइए शिखा, एक बार लाइयो, एक बार मैम को दे दे। ये देखो भाई, ये सारे के सारे स्वीट्स हैं जो इन्होंने खुद घर पे बनाया है। और एक बात बता देता हूँ कि जैगरी यूज किया गया है। हाँ जी। अब ये देखो क्या क्या है। ये मैंगो कलाकंद है। ठीक है जी। ये खजूर गुड़ का कलाकंद है। ये डाब का है, टेंडर कोकोनट का कोकोनट है। और ये खजूर गुड़ सौंदेश है। सौंदेश। ओके। हाँ। तो भाई ये देखो कोशा मैंगो, सबसे पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ, इसको बढ़िया से पहले। ये देखो ये एकदम बढ़िया वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ भाई कि मतलब एक बार आप खाओगे ना, रस में मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने अभी तक जो ट्राई किया है वो बहुत अच्छा है। ये चाप के पीसेस है एकदम बढ़िया बढ़िया, साथ में अंडा भी है। ठीक है जी। ये है भाई चिकन रिजाला। तो ये देखो, ये इसको मैं एक लेग पीस ले लेता हूँ ट्राई करने के लिए। यही वो मखाने वाला है। हाँ, ये है वो मखाने वाला, एकदम बढ़िया से। ये देखो बहुत जबरदस्त आ रही है, हालांकि मैं वेज ही खाती हूँ, बट भाई बेटर देन एनी रेस्टोरेंट मेरे को ऐसा लगता है। और सच में कह रहा हूँ, अगर आप कोलकाता का कुछ भी फूड खाना होगा ना, तो मैं सीधा सीधा यहीं पर आऊँगा इसको खाने के लिए। हैप्पी ईटिंग इनका जो सा इंस्टाग्राम पेज है नीचे आ जाएगा, फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, बुकिंग करानी है करा सकते हो। यहाँ पे घर जैसा पूरा फील है, घर ही है क्योंकि। और मिनिमम 3 बंदों की बुकिंग लेंगे, और आप कॉल करोगे तो कस्टमाइज मेन्यू करो और बढ़िया से आके इंजॉय करो। अब आ जाओ टेस्ट करता हूँ। ये देखो भाई, ये सबसे पहले राइस के ऊपर देसी घी डाला जाता है। तो देसी घी डाल के खाते हैं, क्योंकि क्या इससे ना एक तो फ्लेवर्स और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसको बढ़िया से हाथ से मिक्स करेंगे। ठीक है। एंड इसमें नमक भी डालना होता है? हाँ, थोड़ा सा डालते हैं। अच्छा। ओके। तो पहले सिर्फ राइस खाते हैं ये कह रहे हो आप? हाँ? पहले सिर्फ राइस खाते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा सूखा नमक के साथ। अच्छा। घी के साथ लोग खाते हैं। तो पहले मैंने ऐसे ही रूखा। हाँ। विदाउट एनी सब्जी एंड ऑल पहले ये खाते हैं भाई, वो ट्राई करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो भाई, घी नमक और राइस, सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। क्या फ्लेवर है, मतलब कि कोई सब्जी नहीं डाली इसमें मैंने भी, कुछ भी नहीं, सिर्फ घी और नमक। वेरी नाइस। अब एक लेते हैं साथ में दाल का पूरी। दाल का पूरी, पर वो आलू दम के साथ खाइए। ये आलू दम के साथ खाओ। हाँ। ये देखो भाई, आलू दम के साथ बढ़िया से। पूरी देते। फ्लेवर्स है भाई। फ्लेवर्स। वाकई भाई, असली फ्लेवर्स ना, वो है। ये देख, ये है कोशा मैंगो।
अब इसको खाएंगे भाई इसके साथ, ये देखो। ओ अरे वाह, ये रेस्टोरेंट ओपन है तो ये बढ़िया से लगाया। कोशा मैंगो एंड ट्राई। ओ भाई साहब, चिकन रिजाला भाई वाकई में टेस्ट लाजवाब है। इट्स ऑल अबाउट फ्लेवर्स गाइस। हर एक बंदा यहाँ पे कहीं भी जाते हैं ना तो खाना खाते हैं तो हम फ्लेवर्स ही सर्च करते हैं कि फ्लेवर्स बढ़िया फ्लेवर्स मिले हमारे को, जो हमारे को लेकिन अच्छा लगता है। अरे यार इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है, खुशबूदार खाना, एकदम फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही है और फ्लेवर्स अमेजिंग टेस्ट है। तो मैं इसे खाता हूँ भाई, इंजॉय करता हूँ। अगर आपको भी खाना ना इतना बढ़िया सा लग्जरी फूड, वो भी घर पे माँ के हाथ का खाना, तो आपको नंबर दे रहा हूँ नीचे कट कट डिस्क्रिप्शन पे, कॉल करो, अपना टेबल बुक करो। मिनिमम 3 बंदे की बुकिंग लेंगे ये और कस्टमाइज मेन्यू आपके लिए बनेगा। थैंक यू सो मच।